गजनी 2 के सेट्स पर हुई पॉलिटिक्स, क्या गजनी 2 की फीमेल गजनी हो गई है डिसाइड, क्यों राइटर्स हो रहे हैं आग बबूला। अगर आपको ऐसा लगता है कि गजनी 2 के सेट्स पर माहौल किसी और मूवी के सेट के माहौल से अलग होगा तो आप गलत हैं। गजनी 2 एक ऐसी मूवी होगी जिसकी कास्ट बहुत ही बड़ी होने वाली है, ऐसे में सेट पर पॉलिटिक्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी भी क्या बात हो गई है, सेट पर की खबरें भारी आ रही हैं। तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। गजनी 2 के सेट्स पर एक नहीं बल्कि दो बड़े स्टार्स की चलेगी दादागिरी। आमिर और प्रियंका दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड स्टार्स हैं, ऐसे में दोनों अपने रोल को काफी सीरियसली ले रहे हैं। दोनों स्टार्स ही अपने अपने कैरेक्टर्स को लेकर कर रहे हैं पॉलिटिक्स। दरअसल प्रियंका मूवी में कल्पना का रोल प्ले करती दिखेंगी, ऐसे में वो ऐसा नहीं चाहती कि उनके रोल को मूवी मार दिया जाए। ऐसा करने पर उनका स्क्रीन टाइम मूवी में कम हो जाएगा और मूवी में आमिर के रोल को एक बार फिर ज्यादा अहमियत मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आमिर क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आमिर भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो यही चाहते हैं कि मूवी उन्हीं के कैरेक्टर पर फोकस करे, इसीलिए वो मेकर्स को प्रियंका की बात मानने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मेकर्स को ओरिजिनल प्लॉट एज इट इज रखने के लिए कहा है ताकि दर्शक इसे भी गजनी से जोड़ सके, क्योंकि प्रियंका इंडिया में नहीं बल्कि इसके लिए वो हर मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही हैं। इसी बात का फायदा आमिर खान उठा लेते हैं। आमिर और प्रियंका का एक साइलेंट वॉर चल रहा है जिसमें जीतेगा कौन ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इसकी वजह से बार बार राइटर्स को प्लॉट में चेंज करने पड़ रहे हैं। इसी वजह से मूवी की फाइनल स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं हुई है और नरेशन भी पेंडिंग है। मूवी डिले होती जा रही है जिसकी वजह से मेकर्स भी परेशान हो गए हैं। खैर आपका क्या कहना है, क्या एक मूवी में दो बड़े स्टार्स को लेकर कर दी है गजनी 2 के मेकर्स ने गलती, और आखिर में कौन मेकर्स को अपनी बात के लिए मना पाएगा, कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड में आजकल फीमेल नेगेटिव कैरेक्टर्स को हवा दी जा रही है, फिर चाहे वो विद्या बालन हो इश्किया में या कल्की कोचलिन एक थी डायन में, ऐसे में गजनी 2 मेकर्स भी लेकर आ रहे हैं एक फीमेल विलन। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सजेशन प्रियंका ने ही मेकर्स को दिया था। बता दें कि इसके बाद मेकर्स ने इस रोल के लिए एक सूटेबल एक्ट्रेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि ये रोल सोनाक्षी सिन्हा को दिया जा सकता है। सोनाक्षी की पर्सनालिटी इस रोल को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, जिसके बाद मेकर्स ने ये डिसीजन लेने का सोचा है। अब देखना यह है कि क्या सोनाक्षी की हिस्ट्री उनके रास्ते में आती है या उनके एक्टिंग स्किल्स उन्हें एक और मूवी का हिस्सा बना देती है। अब आप सोचेंगे कि हम कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं सोनाक्षी के गिरते स्टारडम की। सोनाक्षी की हाल ही में काफी मूवी फ्लॉप हुई है, इसी वजह से मेकर्स उन्हें फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेकर्स उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस्ड हैं और अभी भी उन्हें मूवी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोनाक्षी कर पाएंगी ये फीमेल गजनी 2 का रोल, और अगर नहीं तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है इस रोल के काबिल, हमें एक कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए हमारे साथ।